हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की डैफोडिल्स टेक्स्ट बुक जो है आपकी इंग्लिश की, उसका हम लोग आज यूनिट 5A का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, इसके लेसन्स वाली वीडियो मैंने बना अपलोड कर दी है पहले ही। नहीं देखा है तो आप लोग प्ले स्टोर पर जा करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। द एम्पायर सर्वेंट सॉ अ मैन फ्लाइंग इन स्काई। द फ्लाइंग मैन अलिट विद अ रस्टल ऑफ पेपर एंड क्रीक ऑफ बम्बू रेट्स। ठीक है, थर्ड है कि द एम्पायर मशीन वॉज ए गार्डन ऑफ मेटल एंड जवेल। द एग्जीक्यूटनर विल्ड हिज सिल्वर एक्स। द फ्लाइंग मशीन वॉज बिल्ट ऑफ पेपर एंड बम्बू। ठीक है, जो फ्लाइंग मशीन था किससे बना था? पेपर और बम्बू, यानी कि बांस से बना हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होंगे उस पर हमें टिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट मिरेकल डिड द एम्पायर सर्वेंट सी। कौन सा चमत्कार देखा था उस राजा के जो नौकर था, वो कौन सा चमत्कार देखा था? एमेन प्लॉइंग द फील्ड, एक किसान को खेती करते हुए, ए मैन फ्लाइंग इन द स्काई, एक आदमी को आकाश में उड़ते हुए, या फिर ए मैन कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस, एक आदमी को घर बनाते हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा पर बी। ठीक है, ए मैन फ्लाइंग इन द स्काई, उसने एक आदमी को उड़ते हुए देखा था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द एम्पायर डू विद द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन। कि जो राजा था उसने जो फ्लाइंग मशीन, जोड़ने वाली मशीन थी, उसका जो इन्वेंटर यानी कि उसका जो खोज निर्माण करने वाला था, जो उसका इन्वेंशन किया था, जिसने आविष्कारक उसका, उसके साथ उसने क्या किया? एग्जीक्यूटेड हिम, रिवॉर्डेड हिम, डिड द थिंग। ठीक है, तो उसको क्या किया था? जला करके उसको मिट्टी के अंदर बोला था कि इसकी जो अस्थियां हैं उसको दबा देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिवॉर्डेड, क्योंकि उसको कोई इनाम नहीं दिया था। डिड नथिंग, ये भी नहीं कि कुछ भी नहीं किया था, ऐसा नहीं है, उसको जला दिया गया था और कहा कि उसकी अस्थियों को जमीन में गाड़ देने के लिए। ठीक है, थर्ड है हमारा कि व्हाट वाज द एम्पायर्स ओन क्रिएशन। एम्पायर जो राजा था उसका अपना क्रिएशन, यानी उसने क्या बनाया था? तो उसने एक फ्लाइंग मशीन बनाई थी, जी नहीं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जी नहीं। द एक गार्डन ऑफ मेटल एंड जेवल्स, तो एक गार्डन बनाया था जो कि धातुओं का बना हुआ था। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों ने स्टोरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको जो है ज़्यादा अच्छा से क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डिड द एम्पायर टेल हिज हेड सर्वेंट। जो एम्पायर यानी कि जो राजा था उसने अपने हेड सर्वेंट से क्या कहा? तो होल्ड योर टंग, इट वॉज ऑल अ ड्रीम, ए मोस्ट सोरोफुल एंड ब्यूटिफुल ड्रीम। ठीक है, तो उसने यही कहा था कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे। ठीक है, उसने सारा जो था इंसिडेंट उसने देखा था, इसलिए उसको कहा गया था कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे और समझ लेना कि ये एक सपना था। कैसा सपना था? ये बिल्कुल एक दुखदाई और सुंदर भी सपना था। ठीक है, ये दोनों तरह से कह रहा है कि सोरोफुल एंड ब्यूटिफुल ड्रीम बता रहा है उसको। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक ना, फिर अब आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द गार्ड्स डू बियॉन्ड द गार्डन वॉल। जो गार्ड्स थे वो जो बगीचे का जो वॉल था उसके पीछे क्या कर रहे थे? तो बर्न द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ पेपर एंड रेड्स। जो पेपर और रेड्स जो बना हुआ वो ब्यूटीफुल मशीन था, फ्लाइंग मशीन, उसको क्या करते? जला रहे थे। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मिरेकल डिड द सर्वेंट सी। कि जो सर्वेंट था, जो राजा का जो नौकर था, उसने कौन सा चमत्कार देखा था? तो ए मिरेकल द सर्वेंट सॉ दैट अ मैन वॉज फ्लाइंग इन द एयर विथ विंग्स। ठीक है, तो उसने कौन सा चमत्कार देखा था? कि एक आदमी जो है हवा में उड़ रहा था पंखों के साथ में। ठीक है, मतलब उसका पंख था लगा हुआ और अपने पंख के साथ में वो उड़ रहा था। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन है कि होम डिड ही टेल अबाउट द मिरेकल। तो उसने जो ये चमत्कार देखा तो उसने किसको बताया? तो ही टोल्ड अबाउट द मिरेकल टू हिज एम्पायर युआन ऑफ चाइना। उसने यह जो चमत्कार देखा तो उसने अपने महाराज, अपने राजा को बताया। उनका नाम क्या था? युआन था। वो कहाँ के राजा थे? तो ऑफ चाइना, यानी कि वो चाइना के राजा थे, उसी को बताया। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, वाज द इन्वेंशन ऑफ द एम्पायर बेटर देन दैट ऑफ द फ्लायर। गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि क्या जो एम्पायर का इन्वेंशन था, जो एम्पायर जो
अपना बनाया था, उसका जो क्रिएशन था, क्या वो जो फ्लायर था जो उड़ने वाला था, क्या उससे वो अच्छा था? अच्छा था तो क्यों, और अगर नहीं था तो क्यों? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नो, द इन्वेंशन ऑफ द एम्पायर वॉज नॉट बेटर देन दैट ऑफ द फ्लायर, की जो इन्वेंशन था उस राजा का, वो जो फ्लायर उड़ने वाला था उसके इन्वेंशन से अच्छा नहीं था. क्यों? टू मेक अ गार्डन ऑफ मेटल एंड जेवल्स वॉज अ कॉमन थॉट. ठीक है, एंड एनी वन कुड डू दिस. ठीक है, तो एक मेटल और जेवल से जो गार्डन बनाना है तो ये एक अहम बात थी और इसको कोई भी कर सकता था. ठीक है, बट इन 400 AD टू थिंक अबाउट फ्लाई इन द स्काई वॉज एन अनबिलीवेबल थॉट, एंड टू मेक अ फ्लाइंग मशीन वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बुक में मेंशन किया गया, ये टाइम कब का है? 400 ईस्वी के बाद की जा रही है. ठीक है, जिस समय में इंसान आकाश में अगर उड़ने के बारे में सोचता था तो ये सोच करके ही काफ़ी अनबिलीवेबल लगता था, मतलब कि बिल्कुल अविश्वसनीय है. ठीक है, कि कोई आकाश में उड़ भी सकता है. ठीक है, तो उस समय में इस आदमी ने जो फ्लाइंग मशीन बनाया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उसके लिए, ग्रेट अचीवमेंट है. ठीक है, तो इसलिए जो फ्लायर का जो फ्लाइंग मशीन बनाना था ये ज़्यादा बेटर था. ठीक है, उसके गार्डन की तुलना में. ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द फ्लायर एंड द फ्लाइंग मशीन, कि फ्लायर जो उड़ने वाला था और उसकी जो उड़ने वाली मशीन थी उसके साथ में क्या हुआ? द एम्पायर ऑर्डर्ड बर्न द फ्लाइंग मशीन एंड द फ्लायर्स बॉडी एंड बरी देयर एशेस टुगेदर. ठीक है, तो जो एम्पायर वहाँ के जो महाराज थे उन्होंने आदेश दिया कि इस उड़ने वाले को भी और उसकी मशीन को भी, दोनों को जला दिया जाए और इन दोनों के राख को एक साथ जमीन में दफना दिया जाए. ठीक है, फाइव नंबर क्वेश्चन है कि डू यू एग्री विद द एम्पायर्स फाइनल डिसीजन, क्या आप जो राजा था, क्या उसका जो फाइनल डिसीजन था यानी कि जो उसको फ्लाइंग मशीन को जला दिया, तो क्या आप उससे सहमत हैं? हैड यू बीन द एम्पायर व्हाट वुड यू हैव डन, अगर उसकी जगह आप अगर राजा होते तो आप क्या करते? तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि नो आई एम नॉट अग्री विद द एम्पायर्स फाइनल डिसीजन, कि मैं जो हूँ वो राजा के जो ऑर्डर था, जो फाइनल डिसीजन था उससे मैं सहमत नहीं हूँ. बिकॉज अ इन्वेंटर इन्वेंट अ थिंग विथ हिज सो मैनी एक्सपेक्टेशंस एंड एफर्ट्स. ठीक है, जो इन्वेंटर होता है, जो आविष्कारक होता है, वो जब कोई भी आविष्कार करता है तो उसके साथ में उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन यानी कि बहुत सारी उम्मीदें रहती है उससे जुड़ी हुई, फिर उसमें उसने बहुत सारा अपना एफर्ट्स यानी कि बहुत सारा मेहनत किया होता है, तब जाके वो कोई एक आविष्कार कर पाता है. ठीक है, तो उसका किसी का इस तरह से इतना मेहनत और इतने लगन और उसके बाद उसकी उम्मीदों को जला देना तो ये बिल्कुल भी गलत है. सो इफ आई वेयर एन एम्पायर आई नॉट ओनली अप्रिसिएट द इन्वेंटर बट ऑल्सो रिवॉर्डेड हिम फॉर हिज ग्रेट अचीवमेंट. ठीक है, तो अगर मैं उसकी जगह पे एम्पायर होती तो मैं क्या करती, उसको जो वो इन्वेंटर था उसका ना ही सिर्फ प्रशंसा करती बल्कि उसको जो है उसका वो ग्रेट अचीवमेंट के लिए, बड़ी सी उपलब्धि के लिए उसको पुरस्कृत भी करती. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर्स. उसके बाद देखिए अब थोड़ा हम लोग इसका ग्रामर पोर्शन देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए एक मैच करने के लिए आपको दिया हुआ है. ठीक है, तो इसको मैच कर देती हूँ मैं. देखिए द बॉय वाज बिविल्डर्ड, तो इसका हो जाएगा टू सी अ मैच्योरिटी फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. सेकेंड है कि द ईगल एलिट टू कैच अ चिक. थर्ड है कि द स्काई टर्न स्कारलेट वेन द सनसेट. द रस्टल ऑफ लीव्स मेड द डॉग अवेयर ऑफ द स्नेक. फिफ्थ है आपका कि राइट ब्रदर्स आर द इन्वेंटर्स ऑफ एरोप्लेन. राइट ब्रदर जो थे वो एरोप्लेन के आविष्कारक थे. ठीक है, उसके बाद आपका थोड़ा ग्रामर पोर्शन में यहाँ पे आपको बताया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में. ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखिए यहाँ देखिए आपका बुक से ये सेंटेंस लिया गया है. डू यू मीन अ मैन हैज़ बीन फ्लाइंग, यहाँ पे हैज़ बीन फ्लाइंग ये जो सेंटेंस है ये किसका है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. तो क्या होता है, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को? देखिए इन दिस सेंटेंस द वर्क एक्शन
फ्लाइंग हैज बिन स्टार्टेड सम टाइम्स बिफोर एंड इज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी ब्रेक. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ एन एक्शन इज सेड टू बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कि जो काम है वो पास्ट टाइम में शुरू हुआ रहता है, ठीक है, और वो क्या होता है एक लंबे समय तक चलता है बिना रुके हुए, ठीक है, और वो वर्तमान में भी चल रहा होता है. ठीक है, जैसे कि ये आदमी उड़ रहा होता है, ठीक है, तो उड़ता रहा है इसका मतलब हुआ कि वो पहले से उड़ना शुरू किया है और वह अभी उड़ रहा है और अभी कुछ समय तक उड़ेगा. ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट में काम शुरू किया गया और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है, तो इसलिए वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, अब इसको बनाने का रूल क्या है, तो देखिए इसको बनाने का रूल है कि सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद उसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा, तो हैज हैव. ठीक है, उसके बाद बिन लगेगा, उसका जब आपका मेन वर्ब रहेगा उसमें आपका लग जाएगा आईएनजी. ठीक है, यानी कि वर्ब का चौथा रो भी फोर. ठीक है, उसके बाद जो भी वर्ड्स रहेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका सिंस फोर लग जाएगा. ठीक है, वो टाइम के अकॉर्डिंग होगा. अब देखिए सिंस लगेगा या फोर लगेगा ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए सिंस लगता है तब जब कोई निश्चित समय रहता है, ठीक है, और फोर तब लगता है जब निश्चित समय नहीं रहता है. ठीक है, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि सुबह से, तो ये एक निश्चित समय है, वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे. ठीक है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि दो दिन से, तो वो दो दिन कभी भी हो सकता है, तो हम लोग वहाँ पे फोर लगाएंगे, फोर टू डेज. ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि सोमवार से, तो सोमवार एक निश्चित समय हुआ, तो वहाँ पे हम लोग जो है सिंस का यूज़ करेंगे. ठीक है, सिंस मंडे. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे बनाना है. जैसे कि शी, शी के साथ में आपका हैज लगेगा, सी हैज बीन, उसके बाद आपका यहाँ पे मेन वर्ब दिया वर्क, तो वर्क के साथ में भी वर्ब का इसमें चौथा रूप लगता है, तो वर्क में हो जाएगा वर्किंग, तो क्या बन जाएगा सी हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years. नेक्स्ट है कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर ऑल डे, सिंस ऑल डे हो जाएगा. ठीक है, पूरे दिन पढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक निश्चित है. यू हैव बीन ईटिंग अलॉट रिसेंटली, वी हैव बीन लिविंग इन धनबाद फॉर 6 months, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सो ही इज टायर्ड. ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. उसी तरह से है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहाँ पे क्या हुआ था कि आपका जो काम है वहाँ पे वो पास्ट से शुरू होकर के प्रेजेंट में भी चल रहा था, बट यहाँ पे है कि जो आपका काम है वो पास्ट से शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया. ठीक है, वो प्रेजेंट में अभी नहीं चल रहा है, पर हम उसकी बात अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं तो वो काम अभी नहीं हो रहा है. ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, अब इसका रूल क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी यानी कि वी फोर प्लस वर्ड्स प्लस सिंसिया फोर, बस जैसे मैंने पहले बताया बिल्कुल उसी तरह यूज करेंगे हम लोग. उसके बाद जो टाइम दिया हुआ है वो हो जाएगा. ठीक है, तो टाइम आपका जो भी रहेगा आप उसी के अकॉर्डिंग सिंसियर फोर यूज करेंगे. ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. देखिए वी अपोलोजिस्ट बिकॉज ही, तो क्या बताया मैंने यहाँ पे क्या लगेंगे ऑक्सिलरी हैड बिन. ठीक है, तो ही हैड बिन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. टॉम हैड बिन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours व्हेन आई अराइव्ड. शी हैड बिन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस 2015. He was confident because he had been rehearsing hard for the show. They took their baby to the doctor because she had been crying since all night. ठीक है, तो ये था आपका पूरा लेसन. वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.